जी हाँ, पीके मूवी की शूटिंग यहीं हुई थी। और हमारे सामने से आमिर खान साहब आते हैं और वो शंकर जी के पीछे जाते हैं, इस साइड में जाते हैं। हाँ, वो ये इसी टॉयलेट का इसी सीन टॉयलेट का सीन है दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं उस वाली लोकेशन पर जहाँ पर वो स्टेज लगाया गया था। पीके फिल्म की शूटिंग यही हुई थी। ये जो आप राइट साइड पे जो स्टेज देख रहे हैं, इसी पे वो शूटिंग हुई थी। सीढ़ी लगी होती है जहाँ शंकर जी ऊपर चढ़ते हैं और उनके ठीक पीछे आमिर खान भी चढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं इस समय मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाले हूं पीके फिल्म का वो वाला सीन जहां आमिर खान शिव शंकर का पीछा करते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊँगा अपनी वीडियो में उस वाले सीन को जहाँ आमिर खान पीछे पीछे भागते हैं और अपने जो शंकर जी होते हैं उनको एक टॉयलेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं उस वाली लोकेशन पर, आप वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, अभी हम चलेंगे उस वाली जगह पर। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं उस वाली जगह जहाँ पर इस फिल्म की जो सीन फिल्माए गए थे। अभी हम चलते हैं उस वाली जगह पर। जैसा कि दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस वाली जगह पर जहां पीके फिल्म के सीन फिल्माए गए थे। तो मैं आज आपको अपनी इसी वीडियो में दिखाऊंगा पीके फिल्म के सीन। और अभी मैं आपको दिखा देता हूं जहां पर इस फिल्म को फिल्माया गया था। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे टिकट घर। तो आपको ये बता दूँ, ये दिल्ली का दिल्ली हाट। तो इस जगह पर टिकट लगती है, आपको दिखा देता हूँ। ये है दिल्ली हाट का मेन गेट जो कि INA के अंदर स्थित है और पास में ही INA का मेट्रो स्टेशन है, आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। और यहाँ पर पर्सन जो टिकट लगती है वो 30 रुपये की टिकट लगती है। आप पीछे देख पा रहे होंगे तो टिकट घर है, यहीं से आपको 30 रुपये की टिकट मिलेगी और आप जा सकते हैं इस वाली जगह से अंदर। और अंदर जाके आपको पीके फिल्म के जो सीन फिल्माए थे वो इसी जगह के फिल्माए गए थे। अभी आओ इधर आओ। क्या बोल रहा था चीकू, तो क्या कह रहा था जल्दी बता। अच्छा, चीकू भी शामिल है भाई। हाँ भाई बिल्कुल, हमारा बेटा भी शामिल है। चीकू भी आया। कहाँ पे आया चीकू आज, किधर आया घूमने? कहाँ पे? दिल्ली हाट। हाँ दिल्ली हाट, हम आ गए हैं दिल्ली हाट पे। तो अभी चलते हैं अंदर और चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। अभी मैं आ चुका हूँ अंदर इस गेट से और अभी हम चलेंगे वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पीके फिल्म के जो सीन लिए गए थे वो इसी जगह के फिल्माए गए हैं। और अभी हम चलेंगे इस रास्ते से आगे की तरफ और आज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर जो पीके फिल्म में सीन लिया था जहां शंकर जी भागते हैं और आमिर खान उनका पीछा करते हैं, तो वो सीन आगे की तरफ ही लिया गया था। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, जो फिल्म का पहला सीन फिल्माया जाता है तो वो मेरे पीछे से फिल्माया जाता है जहां आमिर खान शंकर जी की तस्वीर देख के आते हैं, तो वो यहीं से फिल्माते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं वो वाला सीन और उसके बाद वो जो आमिर खान जाते हैं जिस टॉयलेट के अंदर, उस टॉयलेट को भी मैं आज आपको अपनी वीडियो में दिखाऊँगा। आप वीडियो में ऐसे ही बने रहना और वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वो सीन जहाँ आमिर खान मार्केट में आते हैं, तो वो इसी मार्केट का वो सीन फिल्माया गया था। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, जो सीन फिल्माया जाता है आमिर खान यहीं पे ही ठीक सामने निकल के आते हैं एकदम से।
जहाँ वो शंकर जी की पीछा करते हैं शंकर जी का, और वो एकदम से शंकर जी ऐसे आइसक्रीम खाते हुए निकलते हैं, तो वो सीन यहीं पे फिल्माया गया था इस जगह पे। और उसके बाद आमिर खान उनका पीछा करते करते उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो उस टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ आमिर खान उनको लॉक कर देते हैं, तो वो सीन भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं उस वाले टॉयलेट के पास जहां आमिर खान भोले शंकर जी का जो पीछा करते हैं और उनको उस टॉयलेट के अंदर लॉक कर देते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं तो ये वही टॉयलेट है जहां आमिर खान आते हैं पीके, यानी कि वो शंकर जी को इसी टॉयलेट के अंदर लॉक करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊँगा बैक कैमरे से वो टॉयलेट का नज़ारा। दरअसल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यह टॉयलेट पहले से चेंज कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है इस समय, और ये थोड़े टाइम पहले ही इस टॉयलेट को नया बना दिया गया है, पर आप फिर भी मैच कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और मैंने यहाँ के दुकानदारों से भी यहाँ पर पता किया है, वो सीन यहीं पे फिल्माया गया था। दोस्तों जिस शॉट के दौरान आमिर खान जिस टॉयलेट में जाते हैं, तो उसी टॉयलेट के ठीक यहीं पर एक शॉप है जहाँ पर एक इमरान सर हैं, इमरान करके, तो उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग होते हुए देखी थी, और वो कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। आपसे एक बार मैं उनसे मिलवा देता हूँ। तो इमरान जी, आप बता सकते हैं मेरे दर्शकों को कि पीके फिल्म की शूटिंग यही हुई थी? जी हाँ, पीके मूवी की शूटिंग यही हुई थी, और हमारे सामने से आमिर खान साहब आते हैं और वो शंकर जी के पीछे जाते हैं, इस साइड में जाते हैं। हाँ, वो ये इसी टॉयलेट का सीन है, लेकिन ये टॉयलेट अभी 2 साल पहले थोड़ा सा इसको चेंजेस कर दिया गया है। शूटिंग पीके की यही हुई थी। अच्छा जी, तो थैंक यू इमरान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप, मैं अब आपको दिखाता हूँ वो वाला शॉट जहाँ आमिर खान इसी टॉयलेट के अंदर जाते हैं, तो आप मैच करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब आप मैच कर सकते हैं इस समय, तो ये वाला टॉयलेट इस समय तोड़ के नया बना दिया, आप देख सकते हैं रंग पेंट वगैरह किया हुआ है। तो सीन यहीं का फिल्माया गया था। आपको एक बार मैं आपको ये दिखा दूँ कि आप भी कहेंगे हाँ ये शॉट यहीं का फिल्माया। आप इस वाले पिलर को देख सकते हैं, ये वाला चेंज नहीं किया है, ये आज भी वही है, हरा वाला पेंट किया हुआ है इस पर, और ये वाला तो नहीं हटाया गया है। दरअसल पूरा टॉयलेट चेंज कर दिया। पीछे के आप इन पौधों को भी देख सकते हैं, जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर ही यहाँ से इस जगह ऐसे करके मुड़ते हैं जो भोले शंकर होते हैं। और इस वाले पोल के ऊपर आप एक रेड कलर का बोर्ड देख सकते हैं जिस पर दिल्ली हार्ट INA लिखा हुआ है, आप उसको भी प्रॉपर पढ़ सकते हैं। तो वो सीन यहीं से फिल्माया गया था, और आमिर खान ठीक उन्हीं के पीछे चले जाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूं अगला सीन। दोस्तों इस टॉयलेट के अंदर जो सीन फिल्माए गए थे, जो अंदर के सीन फिल्माए थे, वो फिल्म सिटी के अंदर फिल्माए गए थे। दरअसल वो सिर्फ अंदर जाने तक का ही वो शॉट यहां पर लिया था, और इसके बाद जहां इस टॉयलेट से निकल के जो भोले शंकर होते हैं, आमिर खान जब उनके पीछे भागते हैं, तो वो जाते हैं उस स्टेज के पास जहाँ पर वो भोले शंकर का स्टेज लगाया हुआ होता है। तो अभी हम चलेंगे उस वाली जगह पर। दरअसल वो जगह बिल्कुल सेम टू सेम है, वो उसको अभी तक चेंज नहीं किया है। आप पूरी तरह से मैच कर पाएंगे उस वाली जगह को। तो चलिए अब हम चलते हैं इसी रास्ते के थ्रू उस जगह पर। तो ये रास्ता ठीक वहीं पर जा रहा है जहाँ पर वो स्टेज बनाया गया था, और अब हम बढ़ते हैं इसी रास्ते से आगे। आप वीडियो में ऐसे बने रहें मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं उसी रास्ते पे जहाँ पर वो स्टेज बनाया गया था, और ये वाली मार्केट काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं, और यहाँ पर थोड़ा, दरअसल यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली मिलता है क्योंकि यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग आते हैं, हम तो यार मिडिल क्लास के लोग हैं। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। आप देख रहे हैं अभी हम उस जगह पर सिर्फ पहुँचने वाले हैं, मुझे सामने वो नज़र आ रही है वो जगह, और आपको भी एक बार थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। तो वो ठीक सामने ही टक्कर पे वो वाली जगह है, और आप वीडियो में बने रहें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहें, और वीडियो को एक लाइक भी करते रहें। तो चलिए अब चलते हैं हम पास में। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो ये वो वाली जगह है जहां पर स्टेज लगाया गया था पीके फिल्म के अंदर, और यहीं से ही शंकर जी भागते हैं, और उन्हीं के ठीक पीछे पीछे आमिर खान भी भागते हैं। तो वो सीन यहीं से फिल्माया गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर वो वाला सीन भी जहां पर आमिर खान इसी जगह से भागते हुए आपको दिखाई देंगे। आप पूरा स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हैं, और देख के आपको कैसा लगेगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपको एक बार यहाँ का एक बार नज़ारा और दिखाता हूँ, ये नज़ारा कैसा यहाँ का दिखाई देता है। तो हम इस बारे में कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उस समय उन्होंने ये शूटिंग होते हुए देखी थी। तो मैं ज़रा एक बार लेके चलता हूँ आपको, और इनसे पूछवा देता हूँ।
सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम तेजस है। तेजस जी? जी तेजस शुक्ला। हाँ जी, तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, जो पीके फिल्म की जो शूटिंग हुई थी वो यहीं पे हुई थी? हाँ जी, हाँ जी, पीके फिल्म की शूटिंग यहीं हुई थी। ये जो आप राइट साइड पे जो स्टेज देख रहे हैं, हाँ, इसी पे वो शूटिंग हुई थी। हमारी सबकी दुकानें लगी थी, तब इधर हमारे हमने खुद लाइव देखा यहाँ पे शूटिंग होते हुए। आमिर खान जी आए थे, उनकी पूरी टीम वर्क आई थी, और उसके साथ हमने कई मूवमेंट्स शेयर भी करे, हमने मतलब खुद देखे भी हैं। मतलब आप यहीं पे उस टाइम? हाँ, हम उस समय आप यहीं पे मौजूद थे। हमारी 25 दुकानें यहाँ से सारी की सारी जो स्टेज की दिखाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 25 की 25 दुकानें एज इट इज़ यहीं पे थी, और उनको उन्होंने दिल्ली टूरिज्म को तो सरकारी पर्ची का जो रेंट देना होता है वो तो दिया ही था। स्टेज जितने दुकानदार भाई थे उनका जो नुकसान हुआ था उनको भी पर डे कुछ चार्जेस उन्होंने रेवेन्यू के रूप में दिया था। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो शॉर्ट फिल्माया था वो मतलब एक दिन में फिल्मा दिया था या उसको कुछ दिन लगे थे? कुछ दिन लगे थे, वो दिन तो मुझे ध्यान नहीं क्योंकि काफ़ी लंबी समय की पुरानी बात है ये, पर काफ़ी समय। जैसे यहाँ से जैसे शिव जी निकलते हैं और वो अपना डायमंड ढूंढते हुए, फिर वो दिल्ली हाट के पुराना जब टॉयलेट हुआ करता था उसके अंदर वो निकलते हैं, ये वहाँ का भी सीन उसमें लिया गया था। हाँ जी, अभी मैं उस टॉयलेट में भी गया था क्योंकि मैंने वहाँ के दुकानदारों से भी पता किया था कि वो टॉयलेट चेंज कर दिया है पहले से। वो टॉयलेट इसलिए चेंज हो गया कि जब यहाँ पर मेट्रो का काम शुरू हुआ था तो वो पुराना वाला जो था बंद कर दिया गया, तोड़ा गया, डेमोलिश करके मेट्रो की लाइन बनाई गई थी, इस वजह से वो पुराना टॉयलेट टूटा। और अब जो है वो नया टॉयलेट फिर DMRC ने वहीं पे बना के दिल्ली सरकार को DTDC को दिया जी। तो वो जो शॉर्ट फिल्माया था, जो टॉयलेट का जो सीन लिया गया था, वो उसी टॉयलेट का लिया गया था ना? पुराने वाले का था। मतलब उसी जगह पर जो अब नया बना दिया ना, जहाँ पे नया बना, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने स्टेज यहाँ पर लगाया गया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से, और इधर भी आपको एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये पीछे खाने पीने का यहाँ पर सामान मिलता है, आप यहाँ पर आएंगे तो आप खा पी भी सकते हैं इधर, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं, आप ज़रूर यहाँ पर आके एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं फिल्म अगला सीन जो यहाँ पर फिल्माया गया था, तो इसी जगह स्टेज लगाया जाता है जहाँ वो मैडम बोल रही होती है, शिव शंकर के बारे में बता रही होती है, और यहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ लगी होती है जहाँ पर फॉरेनर्स वगैरह बैठे होते हैं, और वो सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया जाता है। अभी तो फ़िलहाल आपको यहाँ पर देखने मिल रहे होंगे कपड़े वगैरह, क्योंकि यहाँ पर शॉप वगैरह हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस समय। और यहीं से शंकर जी भागते हैं ऐसे करके, और वो यहाँ पर आके एकदम से गिर जाते हैं, और गिरने के बाद वो ठीक यहाँ से आगे की तरफ भागते हैं, और ठीक उन्हीं के पीछे आमिर खान यानी PK भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आते हैं। वो सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया गया था इस जगह से। आप पीछे की दीवारों को पूरी तरह से मैच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और ये साइडों की दीवारों को भी आप देख सकते हैं, पीछे पूरा बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, और पीछे पेड़ पौधे भी पूरे वैसे के वैसे हैं आज भी। ये वाला यहाँ का जो एरिया है वो ऐसा का एज इट इज़ ही है। और इसके बाद जो अगला सीन फिल्माया गया है, जब आमिर खान भागते हैं तो उसके बाद जो सीन फिल्माया गया था तो वो शॉट लिया गया था इस तरफ का, और यहाँ से आमिर खान जब जाते हैं एकदम से तो वो मैडम अपने दोनों कानों पे हाथ लगा लेती है, और इस वाले जगह का नज़ारा आता है उस वाले सीन में, आप पूरी तरह से मैच कर सकते हैं। तो वो सीन यहीं से फिल्माया गया था, और ये एक बहुत बड़ा स्टेज है यहाँ पर। दोस्तों ये वाला सीन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा उस वाले सीन पर जहाँ वो एक बाबा बैठे होते हैं, जहाँ पर वो मतलब एक पोल के ऊपर बैठे होते हैं, और आमिर खान जब भागते हैं तो वो उनकी मतलब वस्त्र उतर जाता है, तो वो वाला सीन आगे की तरफ फिल्माया गया था इसी रास्ते की तरफ। तो अभी हम चलेंगे उस वाले जगह पर और वो वाला नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो में ज़रूर पूरा बने रहें और वीडियो को कहीं छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे उस वाली जगह पर। तो अगला सीन फिल्म का यहाँ से फिल्माया जाता है जहाँ वो बाबा एक वो डंडे पे बैठे होते हैं और आमिर खान भागते हैं, तो उनके डंडे से उन बाबा के वस्त्र उतर जाते हैं और उनकी पोल खुल जाती है, तो वो सीन यहाँ का फिल्माया था। तो और वो शंकर जी जो होते हैं वो ठीक पीछे से भागते हुए आते हैं, और वो बाबा इधर ही बैठे होते हैं, और फिर आमिर खान ऐसे भागते हैं बाबा के पीछे इधर से ही, तो सीधा सीधा ये सीन यहीं से फिल्माया था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला सीन। तो फिल्म का जो अगला सीन फिल्माया था वो यहाँ से फिल्माया था, तो वो बाबा यहीं पर बैठे होते हैं और पीछे से शंकर जी भागते हैं और आमिर खान ठीक उनके पीछे पीछे भागते हैं।
और पीछे आपको पेड़ों का नज़ारा दिखेगा और इधर एक बैनर वगैरह लगे होते हैं जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो बाबा होते हैं वो यहाँ से उठते हैं और शंकर जी जो होते हैं पीके जी वो यहाँ से ऐसे भागते हैं इस मार्केट से आगे की तरफ। और अभी हम चलेंगे इसी तरफ आगे जहाँ पर आगे का सीन और फिल्माया गया है, तो चलिए अब आगे का और सीन आपको दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों अगले सीन में जब आमिर खान भागते हैं तो ऐसे मार्केट से ऐसे भागते हुए जाते हैं शंकर जी के पीछे और ऐसे इस जगह से ऐसे भागते हुए चले जाते हैं, तो वो इसी मार्केट में ऐसे दिखाया गया है इधर का वो सीन, तो आप मैच कर सकते हैं उन दुकानों को। दरअसल ये थोड़ी सी पक्की दुकानें हैं इस साइड में, पहले इस तरह की दुकानें नहीं थी यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सीन यहीं का फिल्म आया था। और इसके बाद का जो अगला सीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिल्म का एक सीन इस जगह से फिल्माया गया था जहाँ वो शंकर जी भागते हैं तो इसी दीवार पर सीढ़ी लगी होती है और वो इस दीवार पर चढ़ते हैं, तो आपको ये वाला सीन भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं इस वाली जगह पर जहाँ जो शंकर जी होते हैं वो भागते हैं और आमिर खान ठीक उन्हीं के पीछे भाग रहे होते हैं, तो वो सीन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिएगा पूरा शॉट आप मैच कर सकते हैं। तो यहीं से वो सीन फिल्माया था जिसमें आपको ये जाली और ये वाली जो खिड़की आपको दिख रही है तो उस सीन में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिल्म का अगला सीन। तो अब आप मैच कर सकते हैं इस शॉट को भी जहाँ पर आपको ये वाली खिड़की दिखाई देगी जो आज भी वैसी की वैसी है, ये बिल्कुल ऐसी है। और आप देख सकते हैं इस जगह सीढ़ी लगी होती है जहाँ शंकर जी ऊपर चढ़ते हैं और उनके ठीक पीछे आमिर खान भी चढ़ते हैं, और उसमें इस जाली का भी सीन दिखाई देता है इस गेट का, तो वो सीन यहीं से फिल्माया गया था। आप इस वाली पट्टी को भी मैच कर सकते हैं, तो शॉट यहीं का फिल्माया गया था, आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा यहाँ का, और ये देख लीजिए तो ये आज भी ऐसा का ऐसा ही है। दोस्तों पीके फिल्म का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आगे आपको एक से एक वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, और आप अपने भाई के लिए ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जल्दी हम मिलते हैं किसी नई लोकेशन पर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, दोस्तों जय भारत।